नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल झारखंडी ब्लॉग्स में। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ कि इतने दिनों से मेरे वीडियो नहीं के बराबर आपको देखने को मिल रहे होंगे। ना ही मैंने कोई कंपटीशन का अपडेट दिया है और ना ही मैंने कोई कंपटीशन का वीडियो बनाया है। तो जिस प्यार से आप लोगों ने, प्यार और दुलार से आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया था कि झारखंडी ब्लॉग्स जो भाई हैं वो हम लोगों को कंपटीशन का अपडेट देंगे, डीजे कंपटीशन के वीडियो दिखाएंगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, पर ऐसा मैंने अभी तक कोई वीडियो डाला नहीं, तो आप लोग काफ़ी निराश होंगे। तो यही चीज़ को लेके मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ भाई कि मैं आप लोगों को अच्छे से वीडियो नहीं दे पाया। तो सबसे पहले तो इसके लिए सॉरी। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों काफ़ी आप लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई इस बार भीमखंडा 2024 कॉम्पिटिशन का क्या बात है, क्या हुआ, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है और ना ही कोई और यूट्यूब चैनल वालों ने अभी तक कोई अपडेट दिया है और ना ही किसी ने बताया कि इस बार कंपटीशन होगा कि नहीं, कौन कौन से सेटअप आने वाले हैं, जय भोले आएगा कि नहीं। अगले साल तो गाइज आप लोगों ने देखा ही था, काफ़ी जो जबरदस्त कंपटीशन हुआ था और एक यादगार पल था गाइज कि जय भोले ने एक ही अकेले सेटअप ने दो दो सेटअप को काबू कर लिया था। तो दोस्तों हार जीत का बात तो अलग है, कौन जीता कौन हारा उसका बात अलग है। 2024 भीमखंडा कॉम्पिटिशन में क्या होने वाला है ये सभी का सवाल है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि कहीं भी अगर कोई भी कंपटीशन होता है वो भी इस सावन महीना में, तो आप लोग जानते ही भीम बोलबम में कितना ज़्यादा क्रेज रहता है कंपटीशन का। और हम लोग का भीमखाना में गाइस काफ़ी पहले से कंपटीशन होते आ रहा है, लगभग 3-4 साल हो गया कंपटीशन ये जो हो रहा है। तो इस साल 2024 में गाइस ऐसा कोई अभी तक तो अपडेट नहीं मिला है कि कोई बड़ा सेटअप आने वाला है, ठीक है। मुझे अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट में बताना। और रही बात गाइज इस बार कंपटीशन होगा कि नहीं होगा, तो ये बात तो गाइज मैं आप लोगों को पूरा कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन इस बार कंपटीशन हो सकता है। 50-50% की कंपटीशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि गाइज देखिए कंपटीशन जब होता है भीड़ होने का कारण होता है कोई एक पॉपुलर सेटअप। तो अगले बार जैसे गाइज आप लोग जानते हैं जय भोले आया था तो उसी कारण उतना भीड़ हुआ था, और इस बार गाइज जय भोले आएगा कि नहीं आएगा ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। और जो जिस पार्टी वो बुक किए अगले बार जो पार्टी बुक किए थे तो उनका भी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया कि भाई इस बार जय भोले आए कि नहीं आएगा। अभी तक मैंने पूछा पर ऐसा कोई रिस्पांस नहीं आया उन लोग की तरफ से। तो और एक बात गाइस, तो आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ 4 तारीख है और आज के दिन जो जय भोले का सेटअप लगा हुआ गाइस वो बेदमारा की बादमारा करके कोई फटक है CKP में सोनवा रोड में, वहीं पे उनका सेटअप लगा है। तो आज रविवार और कल सोमवार, तो कल भी सेटअप उनका वहीं पे लगा रहेगा। तो अभी दो और सोमवार सावन का बचा हुआ गाइस, सबसे पहले ये आप लोग जान लीजिए क्योंकि दो सोमवार बचा हुआ है सावन महीना का। एक आपका 5 तारीख कल हो गया आपका एक सोमवार और अगला आपका 12 तारीख, ये दो सोमवार सावन का बचा हुआ है। और भीमखंडा में जो कॉम्पिटिशन होता है वो लास्ट ही सोमवार में होता है क्योंकि गाइस सावन का लास्ट महीना मतलब खत्म होने वाला रहता है, एक सोमवार बाकी रहता है उसी में वो कंपटीशन होता है। तो जान लीजिए अभी तो जय भोले का सेटअप अभी लगा हुआ आपका, जैसे मैंने बताया बादमारा फटक में सोनवा तरफ कहीं, तो वहां पर कल भी रहेगा और आज भी है। तो मान लीजिए अगर ये वाला सोमवार तो नहीं आने वाला है जय भोले, और अगले रहा लास्ट सोमवार, तो लास्ट सोमवार में गाइस देखिए और उसमें दो ऑप्शन खुल जाता है, महादेव साल और आपका मुर्गा महादेव, क्योंकि ये दोनों जगह CKP का हर एक सेटअप जाता है। लास्ट सोमवार है गाइस और CKP का कोई ना कोई सेटअप उधर जाता ही है, तो अब देख सकते हैं उधर भी शायद जय भोले का अगर बुकिंग होगा तो उधर जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग का आप बोलिएगा भीमखंडा में, तो भाई मेरे तरफ से आप बोलिएगा तो 90% चांस है कि जय भोले नहीं आएगा। आप लोगों को जान के दुख हो सकता है पर जय भोले हमको नहीं लग रहा कि आएगा, आता भी तो गाइस कुछ ना कुछ ऐसा इतना बड़ा सेटअप आ रहा है तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा लीक मतलब सोर्स इधर उधर से निकल ही आता है। 90% हो सकता है गाइस नहीं आएगा और 10% चांस है कि आ भी जा सकता है, चमत्कार हो जाए तो हो सकता है गाइस, ये भी होता है बहुत बार, जैसे हम लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं है, तो ऐसे भी हो सकता है कि आ जाए। तो यही एक छोटा सा अपडेट है गाइस। और रही बात देखिए मैं हूँ एक यूट्यूबर, ठीक है, और अब जो अगर हो सकता है कि वो लोग बुक जो अगला पार्टी बुक किया वो बताना नहीं चाहता है कि हम भीमखंडा में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये चीज़ भी होता है, बहुत कुछ छुपा के रखता है कि भाई मैं जब आऊँगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है इसी कारण मैं बताऊँगा नहीं।
होता है गाइस ऐसे, बहुत कोई कमेटी कमेटी वाले होते हैं कि बताते नहीं है, तो ये भी हो सकता है। पर मैं जितना पता किया गाइस, मुझे जितना पता चला कि भाई जय भोले नहीं आएगा। हाँ इतना मैं बता दे सकता हूँ, इतना मैं बता दे रहा हूँ कि कंपटीशन होगा, ये तय है। और अभी सेटअप कौन कौन से आने वाले हैं, बड़ा सेटअप आने वाले कि छोटा सेटअप आने वाले हैं भाई, ये भी तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन इतना मैं बता दे रहा हूँ कि कॉम्पिटिशन होगा और सेटअप आएंगे। ऐसा बात नहीं है कि सेटअप एक भी नहीं आएंगे, आएंगे सेटअप, अच्छे से अच्छे सेटअप आएंगे। पर अभी कौन कौन से सेटअप आएंगे वो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, वो एक दो दिन पहले ही आपको कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा, तो एक दो दिन पहले ही आपको इस भाई के चैनल पे आपको मिल जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही था गाइस, दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत कोई मुझसे पूछ रहे थे, भाई लोग पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे, डीएम कर रहे थे इंस्टा पे कि भैया भीमखाना का अपडेट बताइए, भीमखाना का अपडेट बताइए। तो भाई मैं क्या बताऊँ, बताइए मुझे, अगर कुछ ऐसा अगर अपडेट मिलता हो तो मैं सबसे पहले आप ही लोग को बताता हूँ। मेरा चैनल किसके लिए है, आप लोगों के लिए है। और रही बात ये सब अपडेट का, तो मैं सबसे पहले आप ही लोग को दे ही देता हूँ। अब अगर मुझे ही ऐसा कंफर्म न्यूज़ नहीं मिल रहा है तो मैं आप लोगों से क्या शेयर करूँ, बताइए आप ही। अगर कंफर्म न्यूज़ मिल जाता कि हाँ जय भोले आ रहा है, भीमखाना में आ रहा है, तो मैं ज़रूर आप लोगों की इसी दिन इसी टाइम पर बना दूंगा वीडियो, अगर मुझे ये कन्फर्म न्यूज़ मिल जाए। और झूठा न्यूज़ दे के मुझे क्या फ़ायदा कि आ रहा है जय, किसी के और मुँह, किसी के और से हम सुनेंगे, किसी कोई बोल रहा है कि हाँ जय भोले आएगा 20 बेस्पिन लेके, कोई ये बोल रहा है जय भोले आएगा 40 बेस्पिन लेके, ऐसा हो सकता है भाई। मैं जब तक अपना कानों से नहीं सुनूं, जब तक मैं मुझे चक्रधरपुर तरफ से भैया लोग से जब तक कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिले, तब तक मैं क्यों वीडियो बनाऊं, अपना क्यों मैं भाई पेस्टिज खराब करूं, आप ही बताइए, यही बात है ना। तो यही सब बात है गाइस, काफ़ी सारे बात तो ख़त्म नहीं होंगे, पर यही छोटा सा एक अपडेट था। तो मैं लोग इस भ्रम में ना रहें कि जय भोले आएगा आएगा, तो काफ़ी सारे भाई दूर दूर से आते हैं कि भीमखाना में जय भोले आएगा, कॉम्पिटिशन देखने आएंगे। पर ये भाई देखिए, मैं 90% बता सकता हूँ कि नहीं आएगा, 10% मान लीजिए आप आ सकता है। ठीक है, जितने भी भाई होंगे एक बार चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको इस सामने जितने भी कंपटीशन होते हैं मैं आपको कंपटीशन का अपडेट दे ही दूंगा और मेरे इस चैनल पर आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए चलिए दोस्तों, इस वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करते हैं और इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा भीमखाना कॉम्पिटिशन से रिलेटेड। तो चलिए गाइज, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।